बैंगन की रेसिपी बिल्कुल नया तरीका से आज मैं बनाऊंगी और बहुत स्वादिष्ट बहुत टेस्टी बन के रेडी हो जाएगा। मैं हूँ मनोरमा, मेरी टॉप किचन में आप सभी को स्वागत है। आप सबके लिए लेकर आया हूँ बैंगन की बिल्कुल नया एक रेसिपी। जो बैंगन नहीं खाते फ्रेंड, वो भी ये रेसिपी देखने के बाद उंगली चाट के खाएगा, ये मेरे तरफ से प्रॉमिस है फ्रेंड। तो आप सब जरूर एक बार देखना, मैं कुछ टिप्स के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो के लास्ट तक देखना, तभी आप सबको पता चलेगा फ्रेंड। विंटर सीजन में ऐसे मार्केट पे बैंगन आना स्टार्ट हो जाता है, तो बैंगन लेके अच्छे से मैं धो के अच्छे से ड्राई कर लिया, और ड्राई करने के बाद ऐसे पतला पतला स्लाइस करके काट के ये जो लहसुन के कलियां है ना, ये भी मैं अंदर तक दे देती हूँ और अच्छे से ब्रश से तेल लगा के रेडी कर लेती हूँ। और गैस पर ये देखिए ये जो रोटी बनाती हूँ वही चाली मैं ले लिया, वो चाली लेके मैं ये बैंगन ऊपर चढ़ा दिया और ये हाई फ्लेम में इसे कुक करना है। ये 5 मिनट में कुक होके रेडी हो जाता है। देखिए फ्रेंड ये बहुत जल्दी कुक हो गया, तो ये हाई फ्लेम में पकाना है। और बैंगन के साथ साथ लहसुन भी अच्छे से रेडी हो गया, तो अभी इसे मैं निकल लेती हूँ और प्लेट में निकल लिया, और तुरंत एक ढक्कन लगा के मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। पहले ढक्कन देने से बहुत सॉफ्ट होता है, ख़राब नहीं होता है। ये देखिए मैं ढक्कन हटा दिया, अभी थोड़ा सा ठंडा भी हो गया, तो अभी जो छिलका है ना, ये छिलका मैं अलग कर लूँगी, जला हुआ जो पार्ट है ये मैं अलग कर लूँगी क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। और ये देखिए छिलका कितना आसानी से निकल के बाहर आ गया, और अच्छे से हाथों से मैश कर लेना है। ये तेल लगाने की वजह से ये छिलका बहुत अच्छे से निकल के आ जाता है। साथ साथ मैं कढ़ाई चढ़ा दिया, कढ़ाई पर थोड़ा सा तेल दे दिया, तेल दे के अच्छे से इसे गर्म होने देना है। गरम हो गया, अभी मैं कटा हुआ थोड़ा सा लहसुन दे देती हूँ। अभी दे देती हूँ बारीक कट के रखे थे प्याज, ये भी दे के अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी पहले। अभी दे देती हूँ कटा हुआ टमाटर, हरी मिर्च मैं दे देती हूँ, अभी दे देती हूँ 2 चम्मच जैसे ड्राई रोस्ट करके रखे थे जीरा पाउडर, ये मैं दे देती हूँ। जीरा बैंगन के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फ्रेंड, और बैंगन के साथ जीरा देने से बहुत अच्छा स्वादिष्ट बन के रेडी हो जाता है सब्जी। अभी अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, कलर नहीं चेंज करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए तो हो जाए बस। अभी मैं उबल के रखे थे आलू, थोड़ा सा हल्दी पाउडर दे के अच्छे से उबल के रखे थे और हाथों से मैश भी करके फिर दे दिया और अच्छे से मिक्स भी कर लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। तो ये देखिए ये बनके पूरा रेडी हो गया। इसी टाइम मैं देती हूँ बैंगन जो मैं मैश करके रखे थे वो बैंगन दे दिया, और ये अच्छे से ये भी मिक्स कर लेती हूँ। अभी स्वाद अनुसार नमक दे देना, नमक ऐसी चीज़ है ज़्यादा भी हो जाए तब भी खाना खा नहीं पाओगे, कम भी हो जाएगा ना तब भी अजीब सा टेस्ट आएगा, इसलिए नमक थोड़ा टेस्ट करके फिर देना। ये अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, बहुत सारा काटा हुआ धनिया दे दिया, देखिए ये भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी एक बार। अच्छे से मिक्स हो गया, मैं अभी निकल लेती हूँ एक कटोरी में। आप किसके साथ खाना पसंद करते हो फ्रेंड मुझे ज़रूर बताना। हम सब तो चावल के साथ या रोटी के साथ ये खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, आप सब भी ज़रूर एक बार ट्राई करना। ये बैंगन भरता, स्पाइसी बैंगन भरता बन के रेडी हो गया, तो कैसे लगा फ्रेंड मेरी वीडियो ज़रूर बताना। और आप सब नया हो तो चैनल को प्लीज़ साथ साथ भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लेना, जब मैं कुछ नया बनाऊंगी सबसे पहले आप सबके पास पहुंच जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।